खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट बस अब क्लोजर ऑफ क्लोजर तो स्टेप वन था वो था था अब भाई जो आपने realization में इतनी सारी चीजें करी कह रहे हमने क्या किया कह रहे क्यों आपने सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करे फिर आपने क्या करा लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी फिर आपने क्या करा एसेट्स को रियलाइज करा बेचा उनको पैसे आए कैश या बैंक या किसी पार्टनर ने टेक ओवर करा फिर लाइबिलिटीज पे ऑफ हुई टू कैश और बैंक या किसी पार्टनर ने टेक ओवर करा फिर कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं ये सब करने के बाद यह सब करने के बाद आपके कंपेयर करने डेबिट्स और क्रेडिट्स कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है आदित्य इट इज नॉमिनल अकाउंट वाई इज इट अ नॉमिनल अकाउंट एनी अकाउंट विच इज प्रकाउंट तो अब क्लोजर है अब क्लोजर है आपको बैलेंस निकालना है क्लोजिंग बैलेंस जैसे रिवैल्यूशन का बैलेंस निकलता था क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर करते थे अगर क्रेडिट ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट है अगर डेबिट ज्यादा है तो आपका लॉस तो प्रॉफिट कब आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही रेशियो तो होता है इसमें ये कब होगा इफ क्रेडिट्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन द डेबिट रिकॉर्ड्स और अगर डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल विदाउट क्या जनरल एंट्री पास हो रही है केस ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को पैसा मिलेगा कैपिटल में क्रेडिट होगा एंट्री क्या हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू

अगर हमने अभी तक का सारा काम सही करा है